सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 14वें श्लोक के ऊपर प्रवचन करने जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, अनन्य चेतः सततम् यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अर्थात अनन्य चेता, वह व्यक्ति जिसने अपनी चेतना को कहीं भी नहीं लगाया है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ईश्वर में लगाया है, वही अनन्य चेता। यानी कोई भी अन्य जगह हो नहीं चिंतन स्मरण करता है, इच्छा धारणा कुछ नहीं कर रहा है, वह ईश्वर के सिवाय किसी चीज़ की कोई भी कामना नहीं कर रहा है, तो अनन्य चेता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान में प्रियता के सिवाय कुछ भी नहीं होती, उसकी एकमात्र आसक्ति भगवान में। भगवान ने कहा है गीता में ही, मया आसक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः, मेरे प्रति ही आसक्त हो जाओ। तो यहाँ कह रहे हैं अनन्य चेता, जो इस तरह का है, जो कि मेरे सिवाय कहीं पर कुछ नहीं देखता, सुनता, जानता, कुछ उसको मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरे पर लगा हुआ है। सततम, और कैसा लगा हुआ है? सततम मतलब लगातार, निरंतर लगा हुआ है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, और वह स्मरण कर रहा है, कैसा है? नित्य, निरंतर कर रहा है, हर समय कर रहा है। तो उसकी चेतना हर समय साथ में लगी हुई है, लगातार लगी हुई है, और स्मरण नित्य हो रहा है। तो नित्य कब हो सकता है स्मरण? अब यदि कोई सोचे कि भाई जब मैं सो जाऊंगा तब स्मरण कैसे करूँगा, तो स्मरण को यहाँ पर यह समझ लेने की जरूरत है कि स्मरण सिर्फ याद रखने की कोई बात नहीं है, कोई वह क्रिया नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुंह से बोलते रहना है, स्मरण का उसका मुंह से बोलने से मतलब नहीं है। स्मरण का मतलब अपना और भगवान के साथ नित्य संबंध की जागृति, उसका बोध हो जाना। और जब ऐसा हो जाता है तो स्मरण अपने आप चलता रहता है। वही स्मरण महत्वपूर्ण है। जब हमें इसका बोध हो गया, बस बात समाप्त हो गई। फिर जैसा कि कालूराम ने कहा कि मेरा भजन राम करे, मैं करूँ विश्राम, फिर आपका विश्राम ही विश्राम है। फिर भगवान ही भजन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं, तो भगवान ही भजन कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। वह स्मरण कहलाता है जो नित्य होता रहता है, सततम है, लगातार निरंतर चल रहा है, अनवरत, कभी नहीं रुकने वाला। तो इसलिए यह है, जो है यह कोई पदार्थ जगत की घटना नहीं है, क्योंकि पदार्थ जगत में समय की पाबंदी होती है, और यहाँ पर सततम लिखा हुआ है, नित्य सह लिखा हुआ है। यानी यहाँ समय का अतिक्रमण कर दिया गया है, यहाँ पर हर समय वह है, और हर समय है यानी समय का कोई बाध नहीं है, समय की कोई पाबंदी नहीं है। और जब ऐसा है तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे मन मस्तिष्क की बात नहीं है, क्योंकि मन मस्तिष्क समय के हिसाब से चलेगा, तो वह हमारे आत्म जगत की बात है, जहाँ नित्यता है। और नित्यता तो नित्य तो आत्मा है, और बाकी संसार तो अनित्य है, जो भी इंद्रियां हैं अनित्य हैं। तो अगर इंद्रियों से स्मरण करेंगे तो अनित्यता आ जाएगी, नित्यता नहीं रहेगी।
तो यह जगत अनित्य है, यह शरीर हम लोग का जो है भौतिक शरीर यह अनित्य है। तो आत्मा का आत्मा में रमण होता है, उसी को यहाँ पर नित्यता कहा गया है। स्मरति नित्य सह, वही स्मरण हो रहा है नित्य। तस्याहम सुलभ पार्थ, भगवान ने कहा है कि बस मैं उसके लिए सुलभ हूँ। भगवान तो सर्वव्यापी हैं और हर समय उपलब्ध हैं, हर जगह उपलब्ध हैं, हर चीज़ है, तो जाहिर है कि उनकी सुलभता होगी ही। ऐसे व्यक्ति जो ईश्वर लाभ कर चुके हैं, जिनको ईश्वर बोध हो गया, तत्व बोध हो गया, ऐसे व्यक्ति को दुर्लभ कहा गया, क्योंकि उन्हें आपको खोजना पड़ेगा, लेकिन भगवान को खोजना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो हर समय उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है, हर चीज है, तो उसको क्या खोजना, उसके प्रति आपकी सिर्फ जागृति चाहिए, वह तत्व बोध चाहिए। ये कुर्सी भी भगवान है, टेबल भी भगवान है, लैंप भी भगवान है, किताब भी भगवान है, हवा भी भगवान है, सब कुछ ईश्वर है, ईश्वर के सिवा कुछ है ही नहीं, तो वह सर्वसुलभ है। जहाँ नजर जाती है भगवान ही है, जो करते हैं वो भगवान की क्रिया, और जो इन बातों को जानते हैं उनको दुर्लभ बताया गया है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, तो ऐसे महात्मा जो वासुदेव को जानते हैं कि वासुदेव ही सब है, ऐसे महात्मा को दुर्लभ बताया गया है, लेकिन भगवान स्वयं अपने को सुलभ बता रहे हैं। तस्याहम सुलभ पार्थ, हालांकि ये कह रहे हैं कि तस्याहम, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, सुलभ तो हूँ, लेकिन वास्तव में सुलभ उसी के लिए हूँ, कौन, जो दुर्लभ है, यानी जो महात्मा दुर्लभ हैं उसके लिए ही मैं सुलभ हूँ, क्योंकि अनन्य चेता वाला आपको होना पड़ेगा और उतनी जागृति होनी पड़ेगी, तो वह जागृति जब आप में होगी तो आप के लिए वो सुलभ हैं। और कैसे, नित्य युक्तस्य योगी रहा, जो नित्य युक्त हैं यानी हर समय जो ईश्वर के साथ संयुक्त हैं, तो उसके लिए तो सुलभता होगी होगी। तो ऐसे योगी, ऐसे ज्ञानी, ऐसे तत्ववेता, ऐसे भक्त जो अनन्य चेता हैं, ऐसे योगी जो नित्य युक्त हैं, हर समय जुटे हुए ही हैं ईश्वर से, जो हर समय जिनका स्मरण चल रहा है, तो उसके लिए भगवान सुलभ ही सुलभ है, और हर समय सुलभ हैं। तो वही कारण है कि हे पार्थ, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। किसके लिए, वह जो अनन्य चेता है, हर समय जो मेरे सिवा और किसी का चिंतन नहीं करता, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। जो हर समय निरंतर मेरा स्मरण कर रहा है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। और जो नित्य रूप से हमारे से संयुक्त है, युक्त है, जो हमारे में लीन है, ऐसे योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, और वह योगी दुर्लभ है। ओम हरि। ओम।